हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल क्रीमी कॉफ़ी, बहुत अच्छी झागदार कॉफ़ी बनाना बताने जा रही हूँ, जैसे आपने मार्केट में पी होगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये दो रुपए वाले 3 पाउच लिए हैं। मैं 3 कप कॉफ़ी का बना रही हूँ, ये मैंने 3 पाउच लिए हैं। और अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हो तो आप थोड़ा और पाउच बढ़ा सकते हैं। ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाले पाउच हैं। और मैं 3 कप के लिए 6 चम्मच चीनी इसमें डालूंगी, इस स्पून से। टी स्पून है, 4 हो गए, 6 चम्मच ये हो गया। और मैं इसमें 3 चम्मच के लगभग, एकदम खौलता हुआ गर्म पानी है ये 3 चम्मच के लगभग मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए, मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो सबसे पहले हमें इसको, ये देखिए, ये फेंटने वाला है इससे, या फिर आपको चम्मच से इसको अच्छे से फेंटना है, जब तक कि ये बिल्कुल लाइट और झागदार ना हो जाए। और इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि एकदम पानी जो होगा वो खौलता गर्म होना चाहिए। और मैंने दूध भी चढ़ा दिया है गैस पे, उधर हमारा दूध भी उबल रहा है। तो तब तक पहले हम कॉफ़ी का झाग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, शुरू हो गई है बननी। ऐसे ही हमें इसको फेंटना है जब तक कि बिल्कुल लाइट और लाइट झाग वाली ना हो जाए। इसका कलर भी लाइट हो जाएगा, ये खुद भी फूल के लाइट हो जाएगी, ये देखिए। तो लगातार हम ऐसे ही इसको करते जाएंगे। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चले। ये देखिए, अभी हम और इसको करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कॉफ़ी बिल्कुल झागदार, ये देखिए पूरा कप भर गया है झाग से। और मैंने सिर्फ इसी से फेंटा है, और मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगे इसको फेंटने में। अब मैं बराबर बराबर इसको, 3 कप मैंने बनाई है तो बराबर बराबर 3 कपों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। ये देखिए, ऐसे मैं बराबर डाल दूँगी 3 कपों में। ये देखिए, अब मैं बिल्कुल गर्म दूध इनमें डाल दूँगी 3 कप में। बिल्कुल ये खौलता हुआ दूध है, 3 में इक्वल डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल झागदार कॉफ़ी बन गई है। अब हम इसके ऊपर से व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे 1-1 चम्मच। इससे बहुत अच्छी, और भी पीने में बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, 3 में हम व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 3 में मैंने डाल दिया है। 1 कप मैंने आधा रखा है, क्योंकि किसी को आधा पीना है तो मैंने आधा ही रखा है। और 2 कप मैंने पूरे भर दिए हैं। इसको मैं इसी में मिक्स कर दूंगी, इससे और क्रीमी हो जाएगी ये। अब मैं इसके ऊपर ड्रिंकिंग चॉकलेट थोड़ी सी डाल दूंगी, ये देखिए, इससे पीने में ये और भी टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी मार्केट जैसी, और बिना किसी मशीन के बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई है, झाग वाली कॉफ़ी की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये कॉफ़ी की वीडियो कैसी लगी। और बना के भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।